वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं ब्लैक लाइटनिंग। नो इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बहुत बड़ी मशीन को देखते हैं जो कि जमीन के काफी अंदर तक ड्रिलिंग करती जा रही थी। ये सब कुछ असल में एक अमीर बिजनेसमैन विक्टर करवा रहा था। अब इसके पीछे उसका क्या मकसद था, ये तो मूवी में आगे पता चलेगा। फिलहाल इस ड्रिलिंग के दौरान सब कुछ अचानक से हिलने लग जाता है, जिस पर एक साइंटिस्ट विक्टर को ये सब रोकने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर तुमने इसको नहीं रोका तो एक घंटे में पूरा शहर ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन विक्टर, उसे उसकी बातों पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो ध्यान ही नहीं देता उसकी तरफ और ड्रिलिंग को जारी रखता है फुल स्पीड में। और जैसे ही मशीन थोड़ा गहराई में जाती है, वो अपने आप बंद हो जाती है, क्योंकि उसे ड्रिलिंग के लिए और पावर की जरूरत थी। फिर ज्यादा एनर्जी के लिए एक साइंटिस्ट विक्टर से कहता है, बिना नैनो कैटलिस्ट के हम इस काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे, हमें कुछ करना पड़ेगा। बस फिर क्या था दोस्तों, विक्टर नैनो कैटलिस्ट को ढूंढने का ऑर्डर देकर चला जाता है। असल में काफी साल पहले कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर न्यूरो फ्यूल बनाने के लिए न्यूरो कैटलिस्ट नाम का एक डिवाइस को बनाया, जो कि किसी भी फ्यूल को नैनो फ्यूल में बदल सकता है। पर अब वो नैनो कैटलिस्ट किसी जगह पर छिपाया गया है, वो कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। इस दौरान विक्टर के लोगों को ना एक पुरानी लैब से कार मिलती है, जिसका मॉडल भी हाँ कह सकते हैं थोड़ा बहुत ज्यादा पुराना था। एंड फिर इस कार को काम की चीज न मानकर दो लोग मिलकर इसको बेचने का प्लान बनाते हैं। साथ ही डिसाइड करते हैं कि हम इस बारे में अपने बॉस यानी कि विक्टर को कुछ नहीं बताएंगे। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ हम कॉलेज के अंदर डोनाल्ड और मैक्स नाम के दो दोस्तों को देखते हैं, जिसमें से मैक्स तो बहुत अमीर था। इस दौरान डोनाल्ड की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि आज क्लास में नहीं है। डोनाल्ड तो उसको देखता ही रह जाता है, पहली नजर में उसको लगभग प्यार हो जाता है। एंड अब कॉलेज खत्म होने के बाद मैक्स डोनाल्ड को अपनी महंगी कार चलाने के लिए देता है। एंड इसी वक्त उसका सामना उस नई लड़की से होता है जो आज नहीं आई है। इस लड़की का नाम है नताशा। यहाँ इस पॉइंट पर डोनाल्ड के सामने ही मैक्स नताशा को अपनी गाड़ी में लिफ्ट ऑफर करता है और फिर उसके साथ पीछे बैठ जाता है। एंड इस पॉइंट पर ये चीज डोनाल्ड को काफी बुरी लगती है, क्योंकि वो किसी ड्राइवर की तरह गाड़ी चला रहा था। एंड बात करें डोनाल्ड के घर की, तो वो अपने माता पिता और एक छोटी बहन के साथ रहता है। डोनाल्ड रात में सोशल मीडिया पर नताशा की प्रोफाइल को भी चेकआउट करता है और फिर वो कुछ खास कार्स के मॉडल्स को देखता है। कार खरीदना डोनाल्ड का सपना था दोस्तों, अब तो उसको नताशा के लिए कार चाहिए थी। तो अगली सुबह डोनाल्ड जब उठता है ना, तो सबसे पहले उसे उसकी छोटी बहन विश करती है, क्योंकि आज उसका बर्थडे था। बर्थडे गिफ्ट के तौर पर डोनाल्ड के पिता उसको एक पुरानी मॉडल की कार गिफ्ट करते हैं। एंड ये वही कार थी जो हमने शुरुआत में देखी थी। आपने देखी थी ना, ठीक है। जाहिर है कि उन लोगों से डोनाल्ड के पिता ने खरीद ली होगी वो कार। पर इस कार से ना दोस्तों, डोनाल्ड खास खुश नहीं था, क्योंकि उसको चाहिए थी नई कार। हालांकि वो अपने मॉम डैड से इस बारे में कुछ नहीं कहता और उनको बुरा ना लगे, इसलिए कार में कॉलेज के लिए निकल जाता है। पर बस स्टॉप पर वो अपनी कार को खड़ी करके बस से कॉलेज जाने का मन बनाता है, क्योंकि उसे ये अच्छे से पता होता है कि अगर वो इस कार को लेकर कॉलेज गया तो वहाँ पर उसका मजाक बनना पक्का है। लेकिन यहाँ पर भी होता यह है कि एक बुजुर्ग आदमी को बस में चढ़ाने के चक्कर में डोनाल्ड की बस मिस हो जाती है, जिस कारण वो लेट हो जाता है। अब डोनाल्ड के कॉलेज में मशहूर बिजनेसमैन विक्टर आता है लेक्चर देने के लिए, जहाँ पर डोनाल्ड थोड़ा लेट पहुँचता है। डोनाल्ड विक्टर को बताता है कि सर, एक आदमी की मदद करने के चक्कर में ही मैं लेट हो गया, प्लीज इस बार माफ कर दीजिए। जिसके जवाब में विक्टर सारी क्लास से पूछता है कि अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हें बिना किसी की मदद किए मेरा लेक्चर अटेंड करने के लिए आना है और बदले में तुमको मिलेंगे 1,00,000 रुपए, वो भी तब जब तुम किसी की मदद नहीं करोगे, तो बताओ कितने लोग बिना किसी की मदद किए यहाँ टाइम पर आ जाएंगे, बताओ। जवाब में सभी हाथ उठाते हैं, पर डोनाल्ड कहता है कि सर एक बात बताइए, आगे से मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, पर क्या बदले में आप मुझे 1,00,000 रुपए दे सकते हैं। एंड दोस्तों, यहाँ पर डोनाल्ड किस बात पर विक्टर बिना कुछ बोले 1,00,000 रुपए रखकर चला जाता है। डोनाल्ड भी समझ चुका था कि विक्टर को थोड़ा बुरा तो लगा है, इसलिए वो उसके पीछे जाकर उससे माफी मांगता है और उसके पैसे लौटा देता है। इस दौरान डोनाल्ड ये भी देखता है कि मैक्स नताशा को अपनी महंगी गाड़ी से लेकर जा रहा है, तो चीज विक्टर भी नोटिस कर लेता है दोस्तों। एंड वो डोनाल्ड से कहता है कि इन पैसों से तुम अच्छी गाड़ी खरीद कर उस लड़की को इम्प्रेस कर सकते हो, लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने सब कुछ जीरो से शुरू किया था। इतना कहकर दोस्तों विक्टर उन पैसों को डोनाल्ड से वापस ले लेता है। साथ ही जाने से पहले वो डोनाल्ड के पूछने पर बताता है कि मैंने फूलों को बेचकर पैसे कमाने की शुरुआत की थी, याद रखना इस बात को। बस फिर क्या था, डोनाल्ड विक्टर की एटीट्यूड से इम्प्रेस होकर उसको अपना रोल मॉडल बनाने लग जाता है, तो वो भी अपनी कार में फूलों को भर लेता है ताकि उनका सही समय पर अलग अलग जगह पर डिलीवरी हो पाए और पढ़ाई के साथ साथ वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी कमा पाए। अब वो सोचता है कि अगर मैं इस तरह पैसे कमाऊंगा तो आगे चलकर एक बढ़िया कार भी ले लूंगा। अरे हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया था कि जब डोनाल्ड पहली बार इस कार में बैठा ना, तो उसे वहाँ पर 3 साइंटिस्ट की फोटो और एक पुराना रिकॉर्ड भी मिला था, जिन्हें उसने उस समय नजरअंदाज करके वापस रख दिया था। खैर, आगे हम डोनाल्ड को उसकी कार की मदद से जगह जगह फूलों की डिलीवरी करते हुए देखते हैं, मगर कहाँ यार, इससे कहाँ ज्यादा पैसे मिलेंगे, वो कुछ ज्यादा नहीं कमा पाता। एक तो रोड पर ट्रैफिक जाम भी होता है, तो उस वजह से डिलीवरी भी जल्दी नहीं हो पाती और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उधर विक्टर को पता चल जाता है कि जिस पुरानी लैब में उसके लोग नैनो कैटलिस्ट ढूंढ रहे थे, वो असल में वहाँ पर एक कार में था।
एंड ये सारी बात विक्टर को इस लैब के मैप से पता लगी होती है। और फिर विक्टर को जल्द ही पता चल भी जाता है कि उस कार को बेच दिया गया है, और अब जिन्होंने कार को बेचा था उन्हें सजा देने के बाद विक्टर का खास आदमी ब्रायन उस कार की तलाश में लग जाता है, जो कि इस वक्त है डोनाल्ड के पास। इधर डोनाल्ड फूलों के डिलीवरी के काम को पूरा करके आराम से अपना काम करता है पूरा मन लगा के। एंड एक दिन जब वो अपने काम के लिए निकलता है ना, तो डोनाल्ड के पिता भी उसके साथ आते हैं, जहां पर ब्रायन अपने लोगों के साथ मौजूद था। वो डोनाल्ड की गाड़ी को देख उसका पीछा करने लग जाता है, क्योंकि उन्हें कंफर्म करना था कि ये वही कार है या फिर नहीं। वहीं रास्ते में बीच सड़क पर एक चोर किसी लेडीज का पर्स लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसको देखकर डोनाल्ड के पिता गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं और जल्दी से गाड़ी पर से उतरकर उस चोर को पकड़ने के साथ उसे मारते भी हैं। यहाँ डोनाल्ड अपने पिता को ऐसा करते हुए देखकर गाड़ी में वापस आने के लिए कहता है और फिर उनको लेकर जल्दी से निकल भी जाता है। अब इनके पीछे तो ब्रायन तो लगा हुआ ही है, तो डोनाल्ड अपने पिता से कहता है कि क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? अरे आपको कुछ हो जाता तो लोगों की मदद करना सही नहीं है। अरे हम खुद मुसीबत में क्यों डाले किसी के लिए? आजकल इससे कोई फायदा नहीं होता पापा। अब अपने बेटे की ये बातें सुनकर डोनाल्ड के डैड को काफी बुरा लगता है कि कैसी हो गई इसकी सोच, और वो गाड़ी रुकवाकर बीच में ही उतर जाता है। अभी भी दोस्तों ब्रायन डोनाल्ड की कार का पीछा कर रहा होता है, और डोनाल्ड को भी एहसास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। डोनाल्ड को तो ये लगता है कि कहीं ये उस चोर के गैंग वाले तो नहीं जिनसे अभी पापा लड़े थे। उनसे डोनाल्ड दोस्तों सीधे भागने लग जाता है। बस फिर क्या था, अनजाने में डोनाल्ड कार के एक अनजान बटन को दबा देता है, जिससे उसकी कार सीधे हवा में उड़ जाती है। इस बात से तो वो काफी ज्यादा हैरान भी और डर भी जाता है। उसकी गाड़ी किसी जेट प्लेन की तरह हवा में उड़ रही होती है। ये चीज नीचे से ब्रायन के लोग भी देखते हैं और वो भी, और इस चीज का फायदा उठाकर डोनाल्ड एक बिल्डिंग क्रैश लैंडिंग पर गिरता है। नीचे ब्रायन तो उसको ढूंढता रह जाता है, और उधर डोनाल्ड उसकी इस कार की खूबी को देखकर हवाई टाइट हो जाती है। वो भी जल्दी से उस कार को अनजान बिल्डिंग में छोड़कर वहां से भाग जाता है। अब ब्रायन भी जो ये कार के साथ हुआ है ना, मतलब ये हवा में उड़ी है, इस बात की खबर जब विक्टर को देता है तो विक्टर कहता है कि उन साइंटिस्ट ने नैनो कैटलिस्ट से उड़ने वाली कार बना दी, इससे अच्छा इस्तेमाल तो मैं उसका करूंगा, जल्दी उस कार को ढूंढो और मेरे पास लेकर आ जाओ। अब अगले दिन डोनाल्ड मैक्स की मदद से उस पुराने ऑडियो रिकॉर्ड को सुनता है जो उसको कार में मिला था। उस ऑडियो रिकॉर्ड को सुनकर डोनाल्ड को तीन साइंटिस्ट का नाम पता चलता है, माइकल, माया और पीटर। इन्हीं तीनों ने मिलकर इस कार को ऐसा बनाया था। इनमें से माइकल और माया ने शादी कर ली थी, तो उन दोनों से डोनाल्ड एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर बनकर मिलने के लिए जाता है, जिनसे उसको पता चलता है कि इस गाड़ी में कुछ रॉकेट इंजन के साथ साथ एक डिवाइस भी लगा हुआ है, जिसे नैनो कैटलिस्ट कहा जाता है। नैनो कैटलिस्ट इस गाड़ी में डालने वाले नॉर्मल फ्यूल को भी नैनो फ्यूल में बदल देता है, जिस वजह से ये उड़ पाती है। फिर माया डोनाल्ड को इस गाड़ी का मैनुअल देती है, जिसे पीटर ने खुद लिखा था, और डोनाल्ड के पूछने पर वो बताती है कि अगर इस गाड़ी से नैनो कैटलिस्ट को निकाल दिया जाए तो गाड़ी में रिजर्व में इतना नैनो फ्यूल हमेशा स्टोर रहता है कि आधे घंटे तक वो चल पाए, इसलिए गाड़ी पूरी तरह सेफ है। अब ये सारी जानकारी और मैनुअल लेकर डोनाल्ड अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है, और उसको मैनुअल के बताए तरीकों का इस्तेमाल करके उड़ाना शुरू कर देता है। काफी प्रैक्टिस के बाद आखिरकार डोनाल्ड एकदम परफेक्टली गाड़ी में हवा में ड्राइव करना सीख जाता है, और इस चीज का इस्तेमाल करके वो फूलों की डिलीवरी काफी जल्दी भी करता है और अच्छे पैसे भी कमा लेता है। तो एक दिन होता यह है कि डोनाल्ड हिम्मत करके नताशा को डेट के लिए पूछ लेता है, और उसे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लेकर जाता है। नताशा भी पहली बार डोनाल्ड के साथ वक्त बिताकर काफी खुश होती है, तो रेस्टोरेंट में डोनाल्ड की मुलाकात विक्टर से होती है, जिससे मिलकर डोनाल्ड उसको थैंक यू कहता है। वो विक्टर से कहता है कि आपकी बात को मानकर मैंने जिंदगी अच्छे से शुरू की, और आज मैं देखो अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। विक्टर भी बोल देता है दोस्तों कि चलो मेरी बातें किसी के तो काम आई। अगले दिन ब्रायन डोनाल्ड के पिता का पीछा करता है और एक जगह पर चला जाता है। वो अपने साथ दोस्तों उस चोर को भी लिए हुए था, ताकि वो चोर डोनाल्ड के पिता को पहचान पाए। यहाँ डोनाल्ड के पिता ने डोनाल्ड को भी बुलाया होता है, ताकि वो आकर उन्हें पिक कर ले। पर जब डोनाल्ड के पिता ब्रायन और उसके लोगों को देखते हैं ना, तो वो डोनाल्ड से दूर चले जाते हैं। बाकी डोनाल्ड तो वहाँ पहुँच कर अपने पिता का इंतजार करने लग जाता है। वहीं कुछ दूर पर डोनाल्ड के पिता को ब्रायन रोक लेता है, और उस चोर से पूछता है कि क्या ये वही आदमी है जिनसे तुम्हारी उस दिन लड़ाई हुई थी? अब दोस्तों यहाँ पर चोर हाँ के बजाय ना में जवाब देता है, और ब्रायन को लगता है कि उससे कुछ तो गलती हुई है, इसलिए वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो चोर एक चाकू निकाल कर डोनाल्ड के पिता पर वार करता है, ताकि वो अपना बदला पूरा कर पाए, और उनको मारकर चोर वहां से भाग खड़ा होता है। और एक लेडी ये सब कुछ बाहर रोड पर खड़े होकर डोनाल्ड के पास मदद मांगने के लिए जाती है। अब दोस्तों डोनाल्ड उस वक्त ना फोन पर था, तो वो जल्दी में बोल देता है कि अरे इमरजेंसी है तो एम्बुलेंस को बुलाओ, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। हालांकि जल्द ही डोनाल्ड को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि जिनकी मदद करने से उसने मना किया वो कोई और नहीं उसके पिता थे, जो कि मर चुके थे। एंड इस पॉइंट से डोनाल्ड पूरी तरह से बदल जाता है। वो अपने घर का पूरा खर्चा उठाने लग जाता है, और साथ ही साथ अपनी कार का इस्तेमाल करके लोगों की मदद भी करने लग जाता है। कभी वो किसी को जलती हुई बिल्डिंग के अंदर से निकाल कर लाता है, तो कभी किसी को एक्सीडेंट से बचाता है, चोरी को रोकता है। ऐसे काम करके डोनाल्ड एक सुपर हीरो की तरह
अपनी कार की मदद से काम करना शुरू कर देता है। उसकी हर जगह बात होने लग जाती है कि ये उड़ती हुई कार में कौन शहर के लोगों की मदद कर रहा है। इसका किसी को कुछ पता नहीं है, मतलब दोस्तों किसी को पता नहीं है कि ये सारी चीजें डोनाल्ड ही कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड का चेहरा किसी ने नहीं देखा होता है। इसलिए डोनाल्ड को लोग ब्लैक लाइटनिंग का नाम देते हैं, जो कि शहर का एक नया सुपर हीरो होता है जो कि उड़ती हुई कार से आकर लोगों की मदद करता है। अब ये बात जल्दी विक्टर तक भी पहुंच जाती है और अब वो भी ब्लैक लाइटनिंग के पीछे पड़ जाता है। दूसरी ओर नताशा को अब मैक्स डेट कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड और वो आज भी एक दूसरे को चाहते हैं। वो तो डोनाल्ड की जिम्मेदारियां हैं जो उसे नताशा से दूर कर रही है। एंड इसी बीच ब्लैक लाइटनिंग के बारे में जब मारिया और माइकल को पता चलता है तो वो दोनों तो समझ जाते हैं कि ये ब्लैक लाइटनिंग कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जो उनका इंटरव्यू लेने के लिए आया था। अब विक्टर को भी जब पता चलता है कि मारिया, माइकल और पीटर ने नैनो कैटलिस्ट को बनाया था, तो वो तीनों ही साइंटिस्ट को अपने टावर में बुलाता है जहां वो एक्सपेरिमेंट्स करता है। विक्टर तीनों से कहता है कि ब्लैक लाइटनिंग कोशिश तो कर रहा है लेकिन बढ़ते हुए क्राइम को रोकने के लिए वो काफी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग एक ऐसी कार को उड़ने लायक बनाइए जिसमें हथियार भी लगे हो। आप पहले नैनो फ्यूल का इस्तेमाल करके एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाओ जिसे आगे टेस्ट किया जाएगा, तभी हम क्राइम को रोक पाएंगे। जब ऐसी कार्स हमारी पुलिस के पास होंगी तो देखो कोई क्राइम नहीं करेगा। बस फिर क्या था दोस्तों, तीनों को विक्टर के इरादे बहुत बढ़िया लगते हैं क्योंकि वो तो ऐसा बता रहा है कि वो लोगों की हेल्प करेगा, एंड उसकी इसी सोच के कारण ये तीनों मान जाते हैं। यहाँ तीनों के बीच की बात से एक चीज और पता लगती है कि माइकल ने मारिया के लिए पीटर को निकलवा दिया, जिस चीज से ये एक्सपेरिमेंट बीच में बंद हो गया, पर अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए वो पीटर से माफी भी मांगता है। मतलब यहाँ पीटर भी मारिया को चाहने लगा था दोस्तों, तो सिर्फ मारिया को पाने के लिए माइकल ने एक्सपेरिमेंट को बंद करवा दिया, और ये सारी चीजें वैसे पहले हुई थी। बाकी डोनाल्ड की बात करें तो उसे मैक्स अनजाने में नताशा के घर तक अपनी ओर से फूल पहुंचाने के लिए कह देता है, जिसे डिलीवर करने के लिए डोनाल्ड जाता है, तो नताशा उसको देखकर काफी खुश होती है। डोनाल्ड भी नताशा से मिलकर उसको न्यू ईयर पार्टी में अपने घर डिनर के लिए इनवाइट भी करता है। यहाँ पर इनके बीच ब्लैक लाइटनिंग को लेकर भी बात होती है। नताशा कहती है कि ब्लैक लाइटनिंग के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा, तभी वो लोगों की मदद करता है, अकेला रहता है। कभी अगर मेरी उससे मुलाकात हुई ना तो मैं उसको जरूर बताऊंगी कि मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनना चाहती हूँ, कम से कम कोई तो हो जो उसके साथ अकेलापन उसका दूर कर पाए। एंड दोस्तों नताशा की ये सारी बातें ब्लैक लाइटनिंग के लिए सुनकर डोनाल्ड को काफी अच्छा लगता है, पर वो उसको बता नहीं पाता कि ब्लैक लाइटनिंग वो ही है। अब जब डोनाल्ड जाने वाला होता है तभी वो देखता है कि नताशा के ऊपर काफी बड़ी बर्फ गिरने वाली है, एंड उस बर्फ को हवा में ही अपनी गाड़ी से तोड़कर डोनाल्ड जल्दी से निकल जाता है। अब इस दौरान उसकी कार से कुछ फूल नताशा पर गिर जाते हैं, जिन्हें जब वो उठाकर देखती है तो उसमें मैक्स का नाम लिखा था। बस फिर क्या था, इस पॉइंट से पागल नताशा मैक्स को ब्लैक लाइटनिंग समझकर उसे जाकर प्रपोज कर देती है। अब लड़की खुद मिल रही है तो मैक्स भी उसकी गलतफहमी दूर नहीं करता और उससे कहता है कि हाँ मैं ही ब्लैक लाइटनिंग हूँ। साथ ही ये भी कहता है कि ये बात तुम किसी से मत बताना। उधर नताशा के बारे में डोनाल्ड अपनी माँ से शेयर करता है, तो वो डोनाल्ड के लिए काफी खुश होते हैं कि चलो इसको लड़की तो पसंद आई कोई, और वो डोनाल्ड को नताशा को देने के लिए एक लॉकेट देती है जो कि उन्हें डोनाल्ड के पिता ने दिया था। इसी बीच माइकल ब्रायन और विक्टर की बात सुन लेता है, जिसमें विक्टर ये कह रहा है कि उसे नैनो कैटलिस्ट चाहिए। असल में दोस्तों तीनों साइंटिस्ट ने ना नैनो कैटलिस्ट बनाने से दोबारा इनकार कर दिया था, इसलिए विक्टर ने नैनो फ्यूल वाली गाड़ी उनको डिजाइन करने को कहा और ये भी कहा कि इससे मैं शहर की रक्षा करूंगा, पर उसे चाहिए नैनो कैटलिस्ट। और यहाँ माइकल को उसका असली मकसद पता चल जाता है। विक्टर को चाहिए नैनो कैटलिस्ट क्योंकि उसकी ड्रिलिंग मशीन को पावर चाहिए और उस पावर के लिए चाहिए नैनो कैटलिस्ट, समझ गए आप। और वो ड्रिलिंग इसीलिए कर रहा है ताकि वो जमीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे बेशकीमती हीरो तक पहुंच पाए, लेकिन इससे ये होगा कि मॉस्को शहर मिट्टी में मिल जाएगा। तो माइकल जल्दी से पीटर और मारिया को ये बात बताता है और खुद वहां से भागने की कोशिश करता है। अब इस दौरान जब विक्टर देखता है कि माइकल ऊपर की तरफ भाग रहा है तो वो अपने आदमियों को उसके पीछे जाने को रोक देता है, और यहां वो न्यूज में ये चीज फैला देता है कि माइकल ऊपर फंसा हुआ है जो कभी भी नीचे गिर सकता है। जाहिर है न्यूज में यही दिखाया जाएगा कि ब्लैक लाइटनिंग उसको बचाने जरूर आएगा, तो विक्टर ब्लैक लाइटनिंग से नैनो कैटलिस्ट हासिल कर लेगा, यही उसकी चाल है। पर दोस्तों इस पॉइंट तक तीनों ने उसकी कार को बना दिया था जो बायोफ्यूल से उड़ती है और उसमें हथियार भी है। उसी में बैठकर विक्टर ब्लैक लाइटनिंग के आने का इंतजार करता है। दूसरी ओर न्यू ईयर की पार्टी के दौरान जब नताशा इस न्यूज को टीवी पर देखती है तो वो मैक्स को जल्दी से जाने के लिए बोल देती है, क्योंकि ब्लैक लाइटनिंग तो वही है ना उसकी नजरों में। बेचारा मैक्स क्या ही करता, वो चुपचाप जाकर टॉयलेट में बैठ जाता है ताकि जब सब कुछ सही हो जाए तब वो बाहर निकले। इस पार्टी में डोनाल्ड भी नताशा से मिलने आता है, उसे अपने घर चलने के लिए वो कहता है, पर यहाँ नताशा उससे कहती है कि मैं ब्लैक लाइटनिंग के साथ हूँ, वो कोई और नहीं, तुम्हें पता है वो मैक्स है, हम यहीं पर बैठे हुए थे और अभी वो साइंटिस्ट को बचाने के लिए गया हुआ है। टीवी की तरफ देखते हुए यहाँ डोनाल्ड उदास मन से कहता है कि मैक्स ब्लैक लाइटनिंग नहीं है, पर हाँ
ब्लैक लाइटनिंग यहाँ बैठकर किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। इतना कहने के बाद डोनाल्ड भी चला जाता है। उसने नताशा के पास वही लॉकेट छोड़ दिया था जो कि उसे उसकी माँ ने दिया था। अगले पल न्यूज में सभी देखते हैं कि ब्लैक लाइटनिंग उस साइंटिस्ट को बचाने के लिए पहुंच गया है और ये चीज देखकर मैक्स भी बाहर निकल जाता है। पर अब शायद देर हो चुकी थी क्योंकि नताशा को एहसास हो चुका था कि वो ब्लैक लाइटनिंग से नहीं बल्कि डोनाल्ड को प्यार करती है और इस कारण वो मैक्स को मना कर देती है और उससे कहती है कि मैं डोनाल्ड से प्यार करती हूँ। इधर डोनाल्ड जब उस साइंटिस्ट को बचाने जाता है तो वहाँ पर विक्टर अपनी कार से उस पर हमला कर देता है और इस वार के लिए डोनाल्ड तैयार नहीं था, इसलिए वो संभल नहीं पाता और मौका देखकर विक्टर उसकी कार से नैनो कैटलिस्ट हासिल कर लेता है। बाकी डोनाल्ड अपनी कार सहित पानी में डूब जाता है जहां उसे नताशा का फोन आता है जो कि उसे कहती है तुम जहां भी हो जल्दी आ जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। यहां पर वो अपने प्यार का इजहार भी डोनाल्ड से करती है, जिसको सुनते ही डोनाल्ड को याद आता है कि कार से अगर नैनो कैटलिस्ट निकाल भी दिया जाए तो इसमें तब भी इतना फ्यूल होगा कि वह आधे घंटे काम करेगा। बस फिर क्या था, अगले ही पल डोनाल्ड अपनी कार को पानी से बाहर लेकर सीधे हवा में उठ जाता है। और अब तक विक्टर ने ड्रिल को नैनो कैटलिस्ट से चलाना शुरू कर दिया था जिससे भूकंप जैसे झटके महसूस होते हैं। डोनाल्ड पहले माइकल को बुलाता है और फिर उसके कहने पर ड्रिल से नैनो कैटलिस्ट को निकाल देता है जिससे ड्रिलिंग तो रुक जाती है, पर इस पॉइंट पर विक्टर जाकर डोनाल्ड की गर्लफ्रेंड यानी नताशा को किडनैप कर लेता है। और दोस्तों अब यहाँ पर विक्टर एक डील रखता है कि नताशा को लेकर जाओ और नैनो कैटलिस्ट मुझे दे दो, जिसको लेकर डोनाल्ड वहां पर पहुंच भी जाता है। अब यहां पर डोनाल्ड जानबूझकर अपनी गाड़ी के हॉर्न को 3 बार बजाता है। असल में जब विक्टर नताशा को किडनैप करके लेकर जा रहा था ना, तब डोनाल्ड ने नताशा से कहा था कि तुम उसके साथ आराम से चले जाओ और जब मैं तुम्हारे सामने आकर 3 बार हॉर्न करके सिग्नल करूं तो तुम हवा में गाड़ी से नीचे कूद जाना, मैं तुम्हें बचा लूंगा उसी समय। और प्रेजेंट में नताशा को ये चीज याद आ जाती है, वो डोनाल्ड के सिग्नल को समझ कर नीचे कूद जाती है जिसे जल्दी डोनाल्ड बचा भी लेता है। और यहाँ वो नताशा के हाथ में अपनी माँ का दिया लॉकेट देखकर काफी खुश भी होता है। अब नताशा को नीचे छोड़कर डोनाल्ड ऊपर जाकर विक्टर से फाइनल फाइट करता है। दोनों कार्स पूरे शहर को तोड़ फोड़ कर देती है। जहां डोनाल्ड विक्टर की एडवांस कार से हारने लगता है तभी वो अपनी कार को लेकर सीधे ऊपर की तरफ जाता है जिसके पीछे विक्टर भी, और इस तरह दोनों स्पेस में पहुंच जाते हैं। जहां जाते ही विक्टर के नैनो फ्यूल खत्म हो जाता है, पर डोनाल्ड के पास तो नैनो कैटलिस्ट था, उसकी मदद से डोनाल्ड वापस पृथ्वी पर आ जाता है। बाकी बात करें विक्टर की तो वो अब स्पेस में रह जाएगा, मतलब उसकी कहानी खत्म। हालांकि डोनाल्ड भी कंट्रोल खो देता है, पर तभी मैनुअल को पढ़ने की वजह से उसको पता चलता है कि कार में पैराशूट भी है जिसे खोलकर वो सही सलामत नीचे पहुंच जाता है। तीनों साइंटिस्ट मिलकर उस नैनो कैटलिस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि वो गलत हाथ में ना लगे, और अब डोनाल्ड भी खुश होता है और नताशा भी। यहीं पर दोस्तों ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ होती है खत्म। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।